हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है सचिन और आप सभी का गाइस फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में स्वागत है। दो तीन दिन का इस ब्लॉग आया नहीं क्योंकि मेरा एक वैक्सीन पेंडिंग था, मतलब मेरा जो कोविशील्ड था वो 84 डेज के बाद था, तो इसके लिए मेरा 3 तारीख का जो डेट था वैक्सीन का, तो वो लेने गया। तो दो दिन पूरा आराम किया क्योंकि पता है हाथ पेन होते हैं और फिर बुखार भी आ जाते, इसलिए मैंने ठीक है आराम करते। तो 2 दिन आराम करने के बाद गाइस आज निकला, आज 5 तारीख है, 5 आज सैटरडे, तो सोचा आज निकलते। और मैंने ऐसा सोचा है कि संडे के दिन सुबह निकल के, क्योंकि मुझे जितना तक के पता है कि संडे के दिन अर्निंग अच्छा खासा हो जाता है, तो संडे के दिन हम निकलेंगे 5 बजे सुबह अर्ली मॉर्निंग में और रात को 12 बजे तक अर्निंग करेंगे। देखते हैं संडे के दिन कितना अर्निंग होता है, इसलिए सोचा आज आराम करके निकलूँ सैटरडे को। तो सैटरडे भी गाइस बज रहे, अभी मेरे घड़ी में 12:40 बज रहे गाइस, अभी 12:40 बज रहे, तो सोचा आज आराम से निकल, तो रात को थोड़ा जल्दी आ जाएंगे। और जो मैंने फास्ट टैग वो मैंने निकाल लिया, वो भी क्या है मैं आपको बताता हूँ आगे वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में कंटिन्यू रहना और गाइस चैनल पर, चैनल को कर देना सब्सक्राइब क्योंकि आपका भाई आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो गाइस आपके लिए लाता रहेगा। तो देखते हैं पहला ट्रिप कौन सा मिलता है, क्योंकि आज बुकिंग अच्छा है, सर्च में भी बुकिंग आ रहा है। तो पहला ओला का ऐप चालू करते हैं, देखते हैं आज का अर्निंग कितना होता है। और कल का गाइस इंटरेस्टिंग वीडियो का कल टारगेट सोचा है, देखते पूरा होता है नहीं, बट सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे हम गाड़ी में एग्जिट बैठ जाएंगे क्योंकि संडे के दिन अच्छा बिजनेस होता है, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने सोचा कि संडे के दिन सुबह निकलते हैं और 2 दिन का इनकम हम एक ही दिन में हम पूरा करेंगे। तो करते गए आज की वीडियो की शुरुआत, करते आज का पहला राइड और लेते पहला ट्रिप, देखता है कितना आज का टोटल हमारा अर्निंग होता है। गाइस आज ओला वाला इतना दबा के बुकिंग दे रहा है कि पूछो मत, मतलब दोपहर को 1:15 निकला, 2 बुकिंग कंप्लीट किया। पहले बुकिंग मुझे गाइस मिला 125, मतलब 1.20 के रेट के हिसाब से मुझे बुकिंग मिला, जो 13 किलोमीटर का 230 रुपये मिला, मतलब काफ़ी अच्छा मिला मुझे। और जो सेकंड ट्रिप मुझे मिला 33 किलोमीटर का जो था कुरला ईस्ट का, उसका मुझे मिला लगभग 345, मतलब जो पहला वाला बुकिंग मिला उसका अच्छा पैसा मिला मुझे, और सेकंड बुकिंग का कुछ तो 345 मिला। और अभी थर्ड बुकिंग मुझे मिला तो यहाँ पे आके कुरला ईस्ट में, यहाँ पे आके 2 बुकिंग गाइस कैंसिल किया मैंने, कुरला एक पनवेल का और एक बोरीवली का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओला ने अलग ही मतलब लोकेशन बता दिया मेरे को, तो अभी यहाँ पे फंस गया था गली के अंदर, मतलब वहाँ पे। तो अभी यहाँ से वापस तीसरा बुकिंग मुझे मिला गुवंडी का, तो अभी ये कुरला ईस्ट में हूँ मैं अभी, कि पता नहीं ओला वाला लोकेशन ऐसे बता रहा है, मतलब जहाँ पे आगे जाके रास्ता है ही नहीं और ओला वाला मैप में बता रहा है। अभी एक आगे जाके वहाँ पे फंस गया था कुरला ईस्ट में, अपना आगे जाके रास्ता ही नहीं और कुरला स्टेशन का रास्ता मुझे बता दिया, यहाँ पे एक टेंशन के आगे रास्ता है या नहीं, नहीं तो वापस दिक्कत हो जाएगा। तो 2 ट्रिप कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक, तीसरे ट्रिप के लिए अभी यहाँ गाइस तीसरी बार मुझे अभी गोवा वापस ओला का लोकेशन मुझे फंसा दिया गली के अंदर। पहले यहाँ से बाहर निकलता हूँ क्योंकि ये सब गली गली के अंदर से बता रहा रास्ता, लेकिन मैप आगे जाहिर मैप से बता रहा रास्ता, बट अंदर जाके रास्ता ही नहीं कोई, और बुकिंग पे बुकिंग आ रहा है यहाँ पे ओला का। पहले यहाँ से मेन रोड पर निकलते हैं ताकि मेन रोड से हमें बराबर मैप मिल जाएगा। तो यहाँ पे 3 बुकिंग कैंसिल किया गाइस, पहले यहाँ से बाहर निकलते, यहाँ पे इतना ट्रैफिक है कि पूछो, गाड़ी का नुकसान हो जाता है गली कोचे के अंदर, इसलिए पहले बाहर निकलते। वापस एक बुकिंग है गाइस पनवेल का, शायद बुकिंग शायद बराबर मुझे ड्रॉप लोकेशन दिखा नहीं, अभी मैंने एक्सेप्ट किया 5 मिनट का डिस्टेंस बता रहा है, अभी बाहर से ही जाके बुकिंग ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे अंदर का रास्ता मुझे बता रहा है। अभी भी ये जो मुझे बुकिंग है अंदर से 4 मिनट बता रहा है और बाहर से मुझे 9 मिनट बता रहा है, तो बाहर से निकलता हूँ ताकि अंदर से पता नहीं अंदर गली बंद है, रास्ता बंद है, कभी खड्डे का काम चालू है, तो अभी कम से कम कितना 7-8 गाइस बुकिंग मेरा, अभी 3 बुकिंग मैंने कैंसिल किया और 4-5 बुकिंग ऐसे ही मेरा बच के गया, ठीक। अभी देखिए बुकिंग कंप्लीट हो जाता था, इतना तो टाइम मेरा अभी चला गया, तो बुकिंग अच्छा दे रहा है सैटरडे को और रेट भी अच्छा दे रहा है। अभी देखते हैं, अभी ये भी बुकिंग है इसको भी कंप्लीट करते हैं और मिलता हूँ, मतलब फटाफट। अभी 2:30 बज रहे गाइस, लगभग 3 बज रहे गाइस, देखो 2:30 बजे अभी पैसेंजर को छोड़ा, आधा घंटा मेरा यहाँ पे ट्रैफिक में घुस गया मेरा, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फंस जाते बुरी तरीके से कभी कभी गले के अंदर, इसलिए। और ज़्यादातर की यही चीज़ मैंने देखा है, ओला ही ज़्यादा गले कुचे के अंदर बुकिंग देता है, बट देता है अच्छा है, अर्निंग मिलता है नहीं ऐसा नहीं, बट तकलीफ हो जाता है फिर गले के अंदर, गाड़ी फंस गया ना उसको निकालने को दिक्कत हो जाता है फिर। यहाँ से निकलते बाहर, समझ आ नहीं रहा, देखते हैं कि इस थर्ड ट्रिप कंप्लीट करते हैं और मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में बाद में। अभी कहाँ का शायद पनवेल का बुकिंग है शायद, लगता है मुझे गाइस, देखते हैं फटाफट ट्रिप कंप्लीट करते ताकि जल्द घर पे जल्दी जा सकूँ
और कल सुबह जल्दी निकल के रात को 12 बजे तक अच्छा खासा अर्निंग कर सकूं, लेकिन दिक्कत ये हो रहा है यहाँ पे, पूछो मत, सच में समझ में नहीं आ गया। गाइस पनवेल बोल के मुझे ट्रिप आ गया भाईकला का। एक्चुअली वो भाईकला था, मुझे लगा पनवेल का ट्रिप है करके, बट अच्छा लर्निंग हुआ। 10-11 किलोमीटर तक कुछ तो 167 मुझे मिला, और उसके बाद में मुझे मिला माटुंगा जो लगभग 9.5 किलोमीटर था, तो उसका भी मुझे कुछ तो 134 मिला। और मैंने अभी चालू कर दिया उबेर, क्योंकि उबेर के अंदर भी बुकिंग बता रहा, तो मैंने सोचा क्यों नहीं उबेर के अंदर 6 ट्रिप कंप्लीट कर दो, ताकि हमारा जो 125 का प्रमोशन वो हमें मिल जाएगा। तो अभी एक ट्रिप मेरा कंप्लीट हो गया, अभी मुझे उबेर की तरफ से भी 1.2 के हिसाब से मुझे बुकिंग है, जो कल्याण अंबरनाथ का बताया, बट अभी पता नहीं किधर का, क्योंकि उबेर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता था। तो अभी देखते हैं ये दूसरा बुकिंग उबेर का, मतलब 6 ट्रिप मेरा कंप्लीट होगा, तो उबेर की तरफ से मुझे मिलेगा 125। अभी मैं पैसेंजर की लोकेशन पे यहाँ पे आ गया हूँ, माटुंगा ईस्ट में, तो शायद पैसेंजर आ रहा है सामने से, तो लेते हो पिकअप और मिलता आपको मैं अंबरनाथ में। देखते आज का शायद अर्निंग का ज़्यादा हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरीके से बुकिंग मुझे मिल रहे हैं, ऐसे मतलब बुकिंग हाउस दोनों में ज़बरदस्त बता रहा है, ओला में भी बता रहा है, उबेर में भी खतरनाक बुकिंग बता रहा है, क्योंकि सैटरडे और अच्छा खासा बुकिंग दे रहा है और अच्छा खासा रेट भी दे रहा है। देखते अभी पैसेंजर आ रहे हैं। गाइस शाम के 7:30 बज रहे और मैं अभी जस्ट पहुंचा, मतलब 5 बजे जो मैंने पिकअप लिया था डोंबिवली आजदी गाँव के पिकअप लिया था, जो लगभग 48 किलोमीटर था, तो उसका गाइज मुझे अर्निंग मिला उबेर की तरफ से 611 रुपया, मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी कम मिला है, क्योंकि किलोमीटर से ठीक है ज़्यादा मिला, बट मेरे को आने को यहाँ पे गाइज मतलब समझ सकते हो 5 बजे वहाँ से निकला था, अभी 7:30 बज रहे आपको देख सकते हो, शाम के 7:30 बज रहे, मतलब इतना ट्रैफिक की वजह से मुझे 2.5 घंटा लगा यहाँ पे आने को, और अभी बज रहे 7:30, मुझे लगा ज़्यादा अर्निंग होगा, क्योंकि कैश कस्टमर से मैंने कुछ तो गाइड 888 कस्टमर से कैश कलेक्टेड किया, मतलब समझ सकते हो कि 300 रुपये तो सिर्फ उबेर ने खुद का कमीशन के लगभग 300 रुपये के लगभग उबेर का कमीशन हुआ, और हमने इतना मेहनत करके 2.5 घंटा वहाँ से आया और मुझे उसका मिला गया 611 रुपये। ठीक है, मुझे लगा कि ज़्यादा अर्निंग होगा, बट ठीक है अभी क्या करेंगे। और अभी मैं 1:15 निकला था, मैं सोचा कि आज 5 ट्रिप कंप्लीट, इसका 6 ट्रिप कंप्लीट करूं, बुकिंग बहुत है यहाँ से, मुझे बार बार बुकिंग बज रहा था, बट मैंने अभी यहाँ से ट्रिप को कर दिया एंड, और मैं जा रहा हूँ अभी घर पे, क्योंकि 7:30 बज रहे। मैंने कल का जो सोचा कि कल सुबह संडे और आज ट्रैफिक, अभी यहाँ से अगर बाहर भी निकलूंगा ना गैस, तो भी लगभग पौना से 1 घंटा मैं ट्रैफिक में ही फंस जाऊँगा, इतना ट्रैफिक शिलफाटा रोड पे। ठीक है, अगर पैसेंजर कोई पिकअप मिल भी जाए तो रात को गए वापस 10-11 बजे का मुझे आने को, फिर मैंने जो सोचा कि संडे के दिन ज़्यादा अर्निंग करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट खुल गया, बुकिंग अभी ओला और उबेर दोनों की तरफ से बहुत ही बढ़िया बिजनेस अभी आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए सोचा अभी बुकिंग कंटिन्यू के बुकिंग आ रहा है, बट मैंने भी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जाऊँगा मुझे वीडियो को एडिट करना है, वीडियो को अपलोड करना है, क्योंकि आज भी मेरा जो वीडियो था अपलोड नहीं हो पाया, तो सोचा इसलिए सोचा जल्दी जाऊंगा 10 बजे तक वीडियो अपलोड हो, मतलब एडिट करके रख दूंगा, 4-4:30 बजे तक सो जाऊंगा, मतलब 4-5 घंटे सो जाऊंगा, और कल सुबह 5 बजे कोई भी हालत में 5-5:30 बजे मुझे निकलना है, और देखना है मुझे कि कल संडे को सबसे ज़्यादा अर्निंग संडे की, अगर मैं आपको एक बात बोलूँ तो पूरे वीक के अंदर ना सबसे ज़्यादा अर्निंग होता है संडे को, वो मैं कल आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, क्योंकि पूरे वीक से सबसे ज़्यादा अर्निंग संडे को होता है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरा खुद का 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो मैं कल आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितना अर्निंग होता है। और अभी तक का भी अर्निंग, आज का भी गाइज मेरा अर्निंग अच्छा हुआ, मतलब 1:15 बजे के लगभग निकला, तो मतलब 7 घंटे के अंदर मैंने 1500 रुपये का अर्निंग, मैंने ओला में से ओला के अंदर 3 ट्रिप कंप्लीट किया और ओला उबेर के अंदर 2 ट्रिप कंप्लीट किया, तो मेरा आज का जो अर्निंग भी अच्छा हुआ, 1500 रुपये का अर्निंग हो गया। मुझे आज एक्चुअली जाने की इच्छा नहीं थी, मैं सोचा तो अभी जा लेते, क्योंकि हमारे एक भाई है जो हमसे इंस्टाग्राम पर बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं निकलते करके, जो भी अर्निंग होगा काम हो जाएगा। 1 बजे निकला गया, 7:30 बजे घर पर पहुँचते, 1/2 घंटे में 8 बजे तक घर पर पहुँच जाऊँगा, तो जो भी है 1500 रुपये मिल गया, मैंने 422 रुपये का CNG भरा था, ऑलमोस्ट अभी CNG खत्म होने आया है, मतलब ठीक है, मतलब अभी भी मतलब चल सकते, 422 के अंदर मैंने 1100 का अर्निंग कर लिया गया। ठीक है, तो बस गया आज का मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, और कल का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरे को पता है संडे को क्या अर्निंग होता है, मैंने किया है, और आप लोगों को कल मैं प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा कि संडे को क्या अर्निंग होता है, अच्छे से दबा के अर्निंग हो जाएगा, मुझे जितना देखिए पता है, मतलब फुल नाइट नहीं करेंगे, मतलब 12-11:30 बजे हम लोग जितना हो सके उतना अर्निंग करने की कोशिश करेंगे। 5 बजे तो मैंने सोचा कि एग्जिट गाड़ी ऑन करूँ, और मुझे लगता है कि बुकिंग मिलना चालू हो गया, बुकिंग आ रहा है, तो देखते हैं जो भी आप लोगों को कल पता चल जाएगा, तो जो भी आप लोगों को कल पता चल जाएगा, तो कल का वीडियो देखना ना भूलें,
तो बस अभी निकलता होगा यहाँ पे से घर पे, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक अभी भी लगा हुआ है। तो जितना जल्दी हो सके घर पे पहुँच के वीडियो को एडिट करके आप लोगों को अपलोड करना, क्योंकि आप लोग का डेली मैसेज आता है सचिन भाई टाइम पे वीडियो को अपलोड किया करो, फिर हमें काम करने का मज़ा आता है। ठीक है, तो गाइस बहुत ही कोशिश करता हूँ, अभी 2 दिन जो मेरा वैक्सीन उसमें मेरा टाइम निकल गया। ठीक है, अभी मतलब मेरा दोनों वैक्सीन कम्प्लीटेड हो गया, अभी कोई मतलब प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो देखते हैं, जो भी कंटिन्यू वीडियो अपलोड करने की पूरी तरीके से कोशिश करता हूँ, करता रहूँगा और आगे भी करता रहूँगा गाइस। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस कल एक नए वीडियो में, एक नए धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।